जी, अगर रिकॉर्ड वाइज बात करें तो एसएच के जो अक्टूबर माह में जो बारिश दर्ज की गई थी वो 0.7 mm बारिश दर्ज की गई थी एक्चुअल के अगेंस्ट। और इससे पहले देखिए जो सबसे कम है वो 0.3, 0.1, और बिल्कुल ड्राई वेदर था। तो एक किस्म से ये एक थर्ड लोएस्ट बारिश दर्ज की गई है जो हमारे पास आंकड़े हैं वर्ष 1901 से। इससे पहले देखिए वर्ष 2000 में और 1943 में 2 वर्ष ऐसे थे जब बिल्कुल बारिश दर्ज नहीं की गई थी। और फिर इसके बाद 1964 में अक्टूबर माह में 0.1 mm बारिश दर्ज की गई थी। और देखिए वर्ष 2003 में और 1905 में 0.3 mm बारिश दर्ज की गई थी। तो ऐसे देखिए जो इस बार मतलब जो अक्टूबर में जो 0.7 बारिश दर्ज की गई है mm, तो ये एक सम से थर्ड लोएस्ट पूरे जो हमारे आंकड़े पड़े हैं वर्ष 1901 से। तो इस तरह से मतलब थर्ड लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया अक्टूबर माह में। कि जो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में ही सामान्य से देखिए 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किए गए थे। जो बीते 24 घंटों का तापमान था वो हमीरपुर में दर्ज किया गया था 35.4 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो 22.1 था जो कि सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया था। धर्मशाला में 27 डिग्री दर्ज किया गया था, सोलन में 28 डिग्री, और वहीं अगर बात करें कांगड़ा के 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो कि देखिए सामान्य में 2 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किए गए इन क्षेत्रों में। और हालांकि जरूर देखिए कल जो बीते 24 घंटों का तापमान था 1 नवंबर को, उसमें 2 स्टेशन है हमारे कांगड़ा और गुंतर जहाँ नवंबर माह में जो दिन के जो तापमान है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं ऑलरेडी। देख कांगड़ा में जो 30.7 है वो कल मतलब एक्सट्रीम रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इससे पहले कांगड़ा में वर्ष 2020 में था 28.4, और गुंतर में भी कल बीते 24 घंटों में 30.5 जो तापमान दर्ज किया गया था। इससे पूर्व 2001 में दर्ज किया गया था 29.4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बुनकर और कांगड़ा का जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है जो दिन का तापमान है नवंबर माह में वो ब्रेक हुए हैं बीते 24 घंटों में। कितने साल का हुआ था ये? देखिए ऑल टाइम तो देखिए जो हमारे पास पिछले जो 20 सालों का डाटा है ना, तो उसमें जो कांगड़ा और भुंतर जो पिछले 20 सालों का डाटा हमारे पास है ऐसे 2003 से, तो उनमें ब्रेक हुआ है। और एक स्टेशन और है कल्पा, जहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट है वो 1984 में रिकॉर्ड किया गया था 24 डिग्री सेल्सियस, और बीते 24 घंटों में 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहाँ पे देखिए 1984 के बाद कल्पा में एक समय सेकेंड हाईएस्ट तापमान कल दर्ज किया गया 23.6 डिग्री सेल्सियस। आने वाले अगर 5-6 दिनों की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। और जो दिन के तापमान हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर्स हैं वो देखिए सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक रहेंगे। ऐसा कोई मेजर कोई गिरावट दर्ज होने की संभावना नहीं है। हालांकि जो जो न्यूनतम तापमान रहेंगे उनमें गिरावट होने की संभावना जरूर बनी रहेगी।